सर आपने जो लिंक भेजा है वो बुक का प्राइस 2299 है, वही है ना? हाँ, वही है भाई, वो जो लिंक भेजा वही है। मिल गया आप लोगों को लिंक, पूरा सबको मिला, परचेज परचेज भी कर लिया। भी कर लिया, वेरी गुड। चलिए चलो, आज का जो टॉपिक है वो जो हम लोग लेने वाले हैं, 27 ही लेना है ना बुक? कौन सा, क्या बोल रहे हो? अड्डा 247 लेना है ना बुक? हाँ, अड्डा 247 ले लो। चलो, आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, इनइक्वालिटी का। जो लोग नए हैं यहाँ पर, कौन कौन है नया यहाँ पर? दिनल, दिव्या, गीता, इशाक, काजल, और कोई नया है? सर तन्मी वैष्णव, तन्वी, वैष्णवी, और कोई नहीं है? निशा, निशा, और कोई है? पूर्वी। सर मैं भी चलो, आप लोगों का यहाँ से टॉप, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, पूरा ध्यान यहाँ पे देना। और आपको कुछ समझ में ना आए तो बताना, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का डेमो शायद यही टॉपिक का मैंने लिया था, राइट ना? सर। चलो, ये वापस से रिवीजन हो जाएगा। चलिए, ये जो इनइक्वालिटी है, पहले इसको समझो कि ये एग्जाम्स में कितने मार्क्स के लिए आएगा, पहले ये समझ लो। तो 2 से 5 मार्क के लिए आएगा ये, आप ये समझो इसका वेटेज क्या है। 2 से 5 मार्क के बीच में इनइक्वालिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, इसके टाइप्स कितने होते हैं वो हम देख लेंगे। टाइप्स इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंपल स्टेटमेंट। सेकेंड टाइप जो होता है वो डॉट कॉमा वाला। थर्ड थर्ड जो टाइप होता है वो होता है कोडेड फॉर्म वाले। और जनरली कोडेड फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री में बहुत रेयर पूछा गया है, मतलब 10 में से 1 बार ऐसा बोल सकते हैं हम। और एक कोडेड वाला जनरली मेन से पूछा जाता है, और स्टेटमेंट और डॉट कॉम मेन से ही पूछा जाता है, और प्री में भी पूछा जाता है। तो ये तो हो गई बात इसके वेटेज की, इसके टाइप की, ठीक है? इसमें पैटर्न क्या होता है, पैटर्न देखिए, पैटर्न को समझते हैं हम यहाँ पर। पैटर्न आपको दिया होता है स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल समझो ये पूरा स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको मिनिमम 2 कंक्लूजन तो दिए हुए होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जैसे हम लोग सिलॉक्स में देखा था, स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है, यहाँ पे भी वही चीज है। स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा, यहाँ पे 2 कंक्लूजन दिए होंगे। ऑप्शंस कैसे आएंगे इसके, समझो सेम वही चीज, सिलॉक्स वाले 5 ऑप्शंस गिवन होगा बैंकिंग वालों को, और एसएससी वालों को 4 ऑप्शन गिवन होगा। देखो, अगर पहला राइट हो गया, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, जहां पे भी ऑप्शन में लिखा हो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, वो वाले ऑप्शन पे टिक कर देना, ठीक है? जस्ट एक पैटर्न बता रहा हूँ, रफ आइडिया, अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया मैंने। देन सेकेंड वाला, अगर आपका कंक्लूजन राइट होता है, फर्स्ट वाला रॉन्ग होता है, तो आप पे जहां पे भी लिखा होगा ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, उस पर टिक कर देना। दोनों राइट हो गया, देन बोथ फॉलो। दोनों रॉन्ग होता है, देन नाइदर वन नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, या फिर नन फॉलो भी ले सकते हैं, आइदर वन और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। ये वाला जो ऑप्शन है ये हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि इसका एक रूल होता है, जैसे सिलॉक्स में रूल था पता है, इसका भी एक रूल है जिसे हम बाद में सीखेंगे। ये था एक ब्रीफ आइडिया ये चैप्टर के बारे में, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के वेटेज, उसके टाइप्स कितने होते हैं, पैटर्न कैसे होता है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में जानना। तो यहाँ पे एक मैंने जस्ट ब्रीफ आइडिया दिया है, किसी को इसमें डाउट है, पूछना है किसी, इसमें कैसा सर कुछ सीखा, ये डायग्राम कर लिए? डायग्राम नहीं बनाना है इसमें, नहीं, सर लिख लिए। नहीं नहीं लिखना नहीं, जस्ट एक दिया मैंने इंफॉर्मेशन, रफ कर दू इसे मैं, लिखना तो नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन। हेलो, हाँ बोलो ईशाक, बोलो। नहीं बस यही पूछने का था आपसे, अभी आपने शायद कल इवनिंग में भी लिए थे ना? कल इवनिंग में भी था मेरा लेक्चर, इवनिंग में ये टॉपिक नहीं था, लेकिन नहीं नहीं इवनिंग वो में नहीं, आप आप पजल्स कुछ कराए थे आपने, मतलब यस इवनिंग में यस तो यस मैं यस इवनिंग यस में पजल, नहीं कर पाया था, बट हाँ, पजल था। मतलब आपका जो भी, मतलब आपका या कोई भी सब्जेक्ट टीचर रहेगा तो मैं एक ही लेक्चर फिक्स बैच कर लूंगा तो चलेगा ना?
चलेगा चलेगा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आपको वैसे भी प्रॉमिस किया गया है कि 6 महीने के अंदर आपका पोर्शन कंप्लीट होगा अगर आप एक लेक्चर बैठते हो तो वैसे भी आप अगर मॉर्निंग 7 to 9 बैठ रहे हो तो 6 महीने के अंदर आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना मेरे को? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम वही बस। चलिए यहाँ पे देखो, अगर इनइक्वालिटी के अगर रूल्स की बात करो, सभी लोग पूरा ध्यान यहाँ पे देंगे, कोई लिखेगा नहीं, पूरा रूल पे ध्यान दे दो, देन आपको मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। देखो इनइक्वालिटी की बात करूं तो इनइक्वालिटी ओनली 4 रूल पर ही बेस्ड होता है। रूल नंबर 1, ये जो होता है इनइक्वालिटी, ये ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, ये 3 साइन पर मेजरली बेस्ड होता है। इसके बाहर सिग्नेचर्स नहीं आते हैं। आते हैं तो क्या आते हैं मैं बता देता हूं। ग्रेटर और इक्वल को अगर हम कंबाइन करें तो ग्रेटर देन इक्वल बनता है कि नहीं बताए, ये बताओ मुझे। यस सर, ग्रेटर देन इक्वल बनता है। अगर मैं लेस देन और इक्वल को कंबाइन करो तो लेस देन इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे बताइए। यस सर, तो ये 5 साइन के बाहर इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये 5 साइन होते हैं। इधर भी देखो, आप सोचोगे कि सर ये मैथ्स चल रहा है क्या, मैं बोलूंगा यहाँ पे मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। भले हम लोग साइन मैथ्स की यूज कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बट हमारा न्यूमेरिकल कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 2 में हम ये सीखेंगे कि इसमें पहला प्रेफरेंस किसे देना है सिग्नेचर में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन की, तो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, अगर ये एक ग्रुप का साइन हो, मतलब फॉर एग्जांपल समझो ये ग्रेटर दिया है, ग्रेटर देन इक्वल दिया है और इक्वल दिया है, तो एक मुझे एक बात बताओ ये ग्रेटर ग्रुप का है कि नहीं, सेपरेट ग्रुप का बताइए स्टूडेंट। यस सर, ग्रेटर ग्रुप का है। तो देन ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हम कंपेयर कर सकते हैं अगर एक ग्रुप का हो तो कंपेयर जब भी करेंगे ना तो ग्रेटर को ऑलवेज पहला प्रेफरेंस देना है, सेकंड प्रेफरेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल को, और लीस्ट प्रेफरेंस देना है इक्वल को। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इनइक्वालिटी की, और आपको सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम अगर आपको 2 साइन मिल गया, फॉर एग्जांपल ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल, तो आप पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? ग्रेटर को। अगर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल दिया हो तो आप किसको दोगे पहला प्रेफरेंस? ओके, और ग्रेटर और इक्वल दिया हो तो ग्रेटर। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा ग्रेटर बड़ा है साइन में, तो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल दिया हो तो ग्रेटर को पहला प्रेफरेंस देना है, क्योंकि नंबर 1 पे यही है। अगर सपोज करो ये ना दिया हो तो, और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल दिया हो तो पहला प्रेफरेंस इसको देना है। सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? चलिए ये हो गई बात हमारी ग्रेटर की। अब लेस देन की बात करते हैं। यहाँ पे लेस देन और लेस देन इक्वल और इक्वल की बात करूं यहाँ पर मैं, तो पहला प्रेफरेंस ऑलवेज लेस देन, सेकंड लेस देन इक्वल और लीस्ट इक्वल, सेम चीज वहां पे भी आएगी, ठीक है। बोर्ड विजिबल है? ठीक है, ये तो बात हो गई रूल नंबर 2 की, जहाँ पे हमने ये सीखा साइन को कैसा पहला प्रेफरेंस किसको देना है किसे नहीं देना। और बात को गौर करना यहाँ पर, अगर ग्रेटर ग्रुप से है देन ही कंपेयर कर सकते हो आप, एक ही ग्रुप का होना चाहिए। लेस देन ग्रुप से देन ही आप कंपेयर कर सकते हो आप, क्लियर, इस बात का ध्यान रखना। अगर अगर सपोज करो दोनों ग्रुप के साइन मिक्स हो जाते हैं, सपोज करो ग्रेटर दिया है, ग्रेटर देन इक्वल दिया है, लेस देन दिया है, लेस देन इक्वल दिया है, आप, मैंने ये बताया रूल नंबर 2 में कि आपको यहाँ पे कंपेयर करना है अगर एक ही ग्रुप का हो। अगर दोनों ग्रुप के साइन मिक्स हो जाए तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत लोग बोलेंगे सर ग्रेटर पहले आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ग्रेटर पहले आना चाहिए तो लेस देन भी तो फर्स्ट पोजीशन पे ना, तो कंपेयर होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, ऐसे टाइम पे हमारा काम और भी आसान बन जाता है। हमें क्या करना है, देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है साइन को कैंसिल करना है, सिंपल। और जो कंक्लूजन गिवन होगा बस उसको रॉन्ग मार्क करना है, हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। जब भी हमारा साइन मिक्स होता है दोनों ग्रुप के, हमारा काम और भी आसान होता है, हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे और कंक्लूजन को भी रॉन्ग मार्क कर देंगे। क्लियर एवरीवन? 1, 2, 3 रूल में सबको क्लियर? किसी को डाउट है? हाँ क्लियर है। चले आगे बढ़े हम लोग। यस यस, हाँ
रूल नंबर 4 लास्ट रूल इनइक्वालिटी का है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। ये तो चलो ठीक है, एक जस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से था, नॉलेज के हिसाब से था, लेकिन रूल नंबर 4 पूरा इनइक्वालिटी इसके ऊपर बेस्ड होता है। देखो अगर आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव ऑन करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, तो जो आपका साइन दिया होता है इनइक्वालिटी का उसमें चेंजेस नहीं होता है, नो चेंजेस रिक्वायर्ड इन सिग्नेचर, मतलब चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं होती, चेंज नहीं करेंगे हम लोग। अगर सपोज करो अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, देन यस चेंजेस रिक्वायर्ड होता है, साइन चेंज करना पड़ता है। अब इसको हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि इसको ये एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये होता क्या है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपको सबको बाउंस हो गया होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ बादल का, ठीक है, ये देखो बादल मैंने लिखा है, और ये जो मैंने लिखा ये मैंने, मुझे बताओ मैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिख रहा कि राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लिखा? रूल देखो एंड ऑफ द डे हमें रूल दिमाग में बैठना चाहिए, हमें मास्टरी नहीं करनी है कि इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट लिखना है, राइट टू लेफ्ट, वो उसे मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि नींद में भी आपको किसी ने रूल पूछ ले भाई इनइक्वालिटी का फोर्थ रूल बता दो, तो आपको नींद में भी बड़बड़ाते वक्त आपको वो रूल याद होना चाहिए। कैसा, देखो हमें यहाँ पे लेफ्ट टू राइट को छोड़ो, हम थोड़े अपनी देसी लैंग्वेज में आ जाएंगे, अगर हम सीधा जाते हैं तो साइन को सीधा रखना है, ये बात को समझो। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, सपोज करो बादल को मैंने ऐसा लिखा, अब मैंने कैसे लिखा मुझे बताओ? राइट टू लेफ्ट मीन्स उल्टा लिखा, राइट, तो उल्टा आते वक्त साइन को उल्टा करना है। अब ये उल्टा होता क्या है, सीधा होता क्या है, अब इसको जरा डीप में हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तो आपको ये चारों रूल भी क्लियर होगा, साथ ही साथ आपको ये पूरा 1 2 3 4 रूल भी क्लियर होगा और एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोर्ड विजिबल है, दिख रहा बोर्ड इस साइड से? हाँ, देखिए स्टेटमेंट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल A greater than B, greater than equal to C, less than G, equal to H, ले लो, ठीक है? Conclusion number one, A greater than C दिया हुआ है, for example ले लो, ये मैं example ले रहा हूँ, खुद से ले रहा हूँ, क्योंकि ये समझाने के लिए, H greater than equal to A लिया है, for example ले लो, और exam में आपको ऐसी आएगा, statement दिया होगा, conclusion given होगा, आपको ये check करना है कि ये कंक्लूजन स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, देन राइट करो। अगर ये स्टेटमेंट कंक्लूजन से मैच नहीं हो रहा, देन रॉन्ग करो। सपोज करो, देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट में जो मैंने साइन लिखे हुए हैं, क्या ये साइन के बाहर है क्या? पहले देखो रूल नंबर वन का, क्या मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है? बताओ नहीं। तो रूल नंबर वन हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि ये साइन से बाहर साइन नहीं पूछे जाएंगे। अब आ जाओ रूल नंबर 4 पे, लेफ्ट टू राइट मींस नो चेंजेस रिक्वायर्ड होता है, मतलब साइन नहीं, चेंजेस नहीं करेंगे, नहीं जरूरत नहीं चेंज करने की, लेकिन हमारा देसी लैंग्वेज क्या कहता है, सीधा जाएंगे तो सीधा लिखना है, उल्टा जाएंगे तो उल्टा लिखना है। अब सीधा होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जाना कहाँ पे, कंक्लूजन पहले चेक करो, ए से सी में जाना है, ए टू सी में जाना है, तो आप जब स्टेटमेंट में आओगे ऊपर वाले, तो वहां पे आपको चेक करना है ए कहां पर है। आपने देखा ए यहां पर है, सी कहां पर है, देखा यहां पर है, ठीक है, फिर आपने क्या किया, ए टू सी में जा रहे हो, ए टू सी में जाना है क्योंकि ए टू सी में जाना है। अब बताइए सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो? सीधा सीधा, लेफ्ट टू राइट जा रहे, लेफ्ट टू राइट। अरे ठीक है, थोड़े से अंग्रेज इंग्लिश छोड़ के चले गए, अपने देसी लैंग्वेज में आते हैं, देसी होना चाहिए, तो सीधा जा रहे हैं तो सीधा साइन, ठीक है, क्योंकि दिमाग में याद रहेगा ये, क्योंकि ये बहुत इजी गिरता है, सीधा सीधा उल्टा उल्टा, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट से मतलब है, हमें इंग्लिश बोल लेंगे बाद में कभी। ए टू सी, देखो ए टू सी में जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, मतलब वो जो साइन दिया होगा ना उसको एज इट इज लिख लेंगे, तो ए टू सी में जाते हो कितने साइन मिले, देखो ग्रेटर मिला है लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल मिला है लिख लो, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, ये दो सिग्नेचर तो मिल गए, अब करना क्या है, अब देख लो क्या ये दोनों सिग्नेचर एक ही ग्रुप के हैं या फिर मिक्स ग्रुप का है, चेक कर लो। एक ही ग्रुप का है, एक ही ग्रुप का है, मींस ग्रेटर ग्रुप, देखो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल मतलब ग्रेटर ग्रुप का है। अगर एक ग्रुप का होगा तो हम यहाँ पर कंपेयर करना होता है कंपलसरी, एक ग्रुप का होगा तो कंपेयर भी होगा। अब कंपेयर करके बता दो दोनों में बड़ा साइन कौन सा है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, ठीक है। अब ये ग्रेटर का साइन क्या हमारा कंक्लूजन में भी एज इट इज है क्या? हाँ सर। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज करो कंपेयर करते वक्त आपको ग्रेटर मिला और कंक्लूजन में ग्रेटर को छोड़ के बाकी सारे साइन दे दिए गए तो वो रॉन्ग कर देना फिर। ये जो हमें कंपेयर करने में मिलता है वही साइन हमें कंक्लूजन में भी चाहिए होता है, देन वो राइट होता है। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके ठीक है। अब बात करते हैं उल्टे की, उल्टा होता क्या है, साइन उल्टा होता क्या। देखो ग्रेटर का उल्टा हो जाएगा लेस देन और लेस देन का उल्टा क्या होगा, ग्रेटर। साइन उल्टा करने की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना। ग्रेटर देन इक्वल की अगर मैं बात करूं उल्टा साइन की तो क्या होगा, उल्टा साइन लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल का उल्टा साइन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल का उल्टा साइन इक्वल ही होता है, कोई फर्क नहीं। चलो अब आ जाओ कंक्लूजन नंबर टू पे। हमारा कंक्लूजन नंबर टू क्या कहता है, एच टू ए में जाना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट में आ जाओ, ऊपर देखो एच कहां पे है, यहां पर देख लिया आपने, ए कहां पर है, यहां पर देख लिया, देन एच टू ए में जाना था आपको। आप बताओ सीधा जा रहे हो उल्टा जा रहे हो, राइट, उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा करना है। अब साइन उल्टा होगा कैसे, देखो उल्टा जा रहे हो साइन को ले लो, इक्वल का उल्टा एज इट इज इक्वल ही होता है, और लेस देन का उल्टा मैंने बताया था ना, लेस देन का उल्टा क्या बनेगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा क्या बनेगा, लेस देन इक्वल। सर ये उल्टा आचल क्या हुआ सर, आप ये यहाँ से क्यों ले रहे हो, कहाँ से क्यों ले रहे हो, मतलब आपने बताया ना उल्टा, पता नहीं अभी क्या वो समझा ही नहीं मुझे, ये दोनों कहाँ थे आप सर, ये अभी वाला अभी क्या कर रहे हो आप, ये इक्वल्स टू और ये ग्रेटर देन, पहले ये बताओ अभी ज्वाइन किया गया आपने, नहीं सर मैं कब से हूँ मुझे सब समझा, लेकिन ये अभी आपने उल्टा ये थर्ड से क्यों लिया, नीचे फोर्थ स्टेटमेंट तो आपने लिखा है कि उल्टा लेंगे, अगर वहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ स्मॉलर देन लेंगे, ऐसा होना चाहिए ना, ग्रेटर इक्वल का उल्टा क्या होता है, इक्वल होता है, राइट, ठीक है। ये क्या दिए, कौन सा साइन है ये बताओ, ये कौन सा साइन, स्मॉलर देन है, लेस देन है, और लेस देन का उल्टा क्या बनेगा, ग्रेटर, तो मैंने ग्रेटर लिखा, देखा, अच्छा हाँ सर सॉरी ये ग्रेटर देन है, क्लियर अभी, क्लियर आचर, हाँ सर। चलो अब देखो ये तीन साइन तो मिल गया, अब बताओ मुझे रूल नंबर टू भी यहाँ पे कवर हो गया था पहले वाले में। चलो अब देखो ये बताओ तीन साइन तो मिल गया, अब यहाँ पे कंपेयर कर लो कि ये साइन एक ही ग्रुप का है क्या कि मिक्स ग्रुप का है, कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, मिक्स ग्रुप का है राइट, इसके वजह से, हाँ ठीक है, क्यों, यहाँ पे देखो एक है ग्रेटर का और एक है लेस देन इक्वल का, मतलब दोनों ग्रुप जब मिक्स हो जाए तो हमारा रूल नंबर तीन काम आ जाता है, बहुत आसान हो जाता है। रूल नंबर तीन क्या कहता है पता है, रूल नंबर तीन बोलता है अगर दोनों ग्रुप मिक्स हो जाए तो कैंसिल कर दो और कंक्लूजन को रॉन्ग मार्क कर दो, सिंपल, हमारा काम यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे। तो ऑप्शन क्या टिक करना है इस बात का ध्यान रखना, पहला वाला कंक्लूजन राइट हुआ, सेकेंड रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन जहां पे भी लिखा होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, उस पर टिक कर देना। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट रिलेटेड टू रूल्स एंड टाइप एंड पैटर्न एवरीथिंग, एनी डाउट? नो सर, नो सर, नोट डाउन कर लो।
हेलो हेलो डन हेलो सर हाँ बोलो उर्वी सर एक डाउट है अभी राइट टू लेफ्ट जब भी आएगा तो साइंस हमेशा उल्टा होता है क्या exactly. वो लेस देन है तो ग्रेटर देन आएगा exactly राइट टू लेफ्ट सिंपल लैंग्वेज उल्टा जाओगे और साइन को उल्टा करना ठीक है ठीक इसका अपोजिट समझ लेना वन नंबर का अपोजिट वन टू का अपोजिट टू थ्री का अपोजिट थ्री ठीक है थैंक यू डन एवरीवन हाँ डन हाँ हाँ डन डन बताओ हो गया हाँ हो गया चलो रफ कर दो यस सबको समझा रूल समझा सबको यस यस हेलो हेलो सर हाँ जी मैम हाँ सर कल आपने पजल्स कराया था ना उसमें मुझे डाउट है एक मतलब क्वेश्चंस में कौन सा डाउट है वो फर्स्ट क्वेश्चन था ना 8% वाला 8% वाला हाँ वो जैन से वो एक सेकंड ना हाँ हाँ मंथ वाला हाँ हाँ तो सर ना मैंने उसको किया है मतलब आपने सॉल्व किया ना तो कल मैं खुद से ट्राई कर रही थी तो उसमें कुछ अलग से भी मतलब पता नहीं अलग भी मतलब उसमें कुछ मतलब अलग तरीके से भी आंसर आ रहा है मेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है पजल जो होता है ऑलवेज एक ही तरीके से बनेगा लेकिन सर वो भी एकदम करेक्ट ही आ रहा है पता नहीं अभी एक बार आप चेक करते तो फिर अच्छा रहता अच्छा चलो आपका आंसर बताओ आपका आंसर क्या फटाफट बताओ तो मैं पजल का ले लेता हूं मेरा आंसर आ रहा है ई बी डी जी डी ए डी ए दो बार डी कैसे आएगा नहीं सर डी ए की नहीं वो बी है बी ई के पास बी है वो हाँ ओके बी डी ए डी एच सी एफ हाँ ओके पढ़ो स्टेट पूरा पढ़ो वो जो लिखा था पढ़ो हाँ हाँ 8% ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच वेयर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ जनवरी टू अगस्त A was born in the month which has A was born in the which has least number of the day A was born in the least number okay Jan Feb March April May कितने का होता है Jan Feb March April May okay आपका A देखो कहाँ पे born हो गया देखो बट वो लिस्ट नंबर ऑफ डेज में होना चाहिए तो ये देखो मैं तो आपका 31st आ रहा था देखो यहाँ पे हाँ रॉन्ग हो गया ना 30 वाले पे बिठाना चाहिए था आपको लिस्ट नंबर मतलब जो बचा वाला 30 है लेकिन सर 31 नहीं होगा लिस्ट नंबर ना ना लिस्ट मतलब क्या होता है लिस्ट मतलब होता है सबसे कम नंबर अगर 28 नंबर वाला नहीं है तो कौन सा आएगा 30 वाला आएगा ओके 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 रॉन्ग हो गया रॉन्ग चलो थैंक यू ओके चलिए क्वेश्चन लेते हैं यहां पर
चलो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं सॉल्व करूंगा, देन आपको क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए. एग्जाम में ऐसे आएगा, स्टेटमेंट दिया होगा t लेस देन यू इक्वल टू v ग्रेटर देन इक्वल टू s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन इक्वल टू q एंड कंक्लूजन गिवन होगा नंबर 1 s ग्रेटर देन t एंड नंबर 2 v ग्रेटर देन q. देखो ये आपको स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारे रूल के हिसाब से करना है. हमारा रूल क्या कहता है, सीधा जा रहे हैं देन सीधा साइन, उल्टा जा रहे हैं देन उल्टा साइन. अगर एक ग्रुप का साइन है तो कंपेयर करो, मिक्स ग्रुप का साइन है तो देन कैंसिल करो. बस इतना ही साइन, इतना ही है. देखो जाना कहाँ पे, एस टू टी में जाना है. एस यहाँ पर है एंड टी यहाँ पर है. एस टू टी में जाना था तो आप बताइए आप सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो. उल्टा जा रहे हो, ठीक है. तो साइन को उल्टा करो. देखो ग्रेटर देन इक्वल क्या बनेगा, लेस देन इक्वल, यही होगा ना साइन उल्टा. बताइए. यस यस सर. हाँ इक्वल को एज इट इज ले लो और ये लेस देन बन जाएगा ग्रेटर. ग्रेटर अगर तीन साइन तो मिल गया. मिलने के बाद क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे. अब ये क्या कंपेयर करने लायक है, क्या ये एक ही ग्रुप का है या फिर दोनों ग्रुप का है. मिक्स ग्रुप है ना, तो मिक्स ग्रुप की जब बात आती है तो सिंपल हो जाता है काम हमारा. कैंसिल करो, कंक्लूजन को भी रॉन्ग कर दो. क्लियर क्लियर एवरीवन, एनी डाउट. हां सर क्लियर. और किसी को डाउट है, कोई पूछना चाहता है. नो सर. आगे बढ़ू मैं. चलो वी से क्यू में जाना है. देखो वी यहाँ पर है एंड क्यू यहाँ पर है. वी से क्यू में अगर आप जा रहे हो, आप पहले डिसाइड करो सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो. सीधा सीधा. साइन को एज इट इज जितने भी साइन है लिख लो. अब ये देखो कि या ये जो साइन है वो एक ही ग्रुप का है या फिर अलग अलग मिक्स ग्रुप का है. सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप का है. एक ही ग्रुप का है, देन कंपेयर होगा ना. तो कंपेयर करो, बताओ कौन सा साइन को पहले प्रेफरेंस देना है. ग्रेटर दिया है. ग्रेटर देन क्या, ये ग्रेटर देन ऊपर वाले कंक्लूजन में गिवन है. हाँ. तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्लियर. चल आगे का प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व करेंगे. पहले सर, हम अगर क्या करेंगे, वाले कंक्लूजन में नहीं मिला तो जो साइन आया हमारा, अगर ये साइन देखो देखो अगर हमें क्या मिला, यहाँ पे ग्रेटर मिला, करेक्ट. अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे ग्रेटर नहीं हुआ तो, यही बोल रहे हो ना आचल. हाँ सर. हाँ अगर मान लो ग्रेटर मिला हमें और ग्रेटर को छोड़ के कोई भी साइन दे दे, कुछ भी दे दे, ग्रेटर देन इक्वल दे दे, इक्वल दे दे, लेस देन दे दे, लेस देन इक्वल दे दे, कुछ भी दे दे ग्रेटर को छोड़ के, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. जो साइन मिला है वही साइन हमें चाहिए वहां पे. क्लियर क्लियर आचल. डाउट है, डाउट है पूछ लो. चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को. आप लोग थोड़ा फुर्ती दिखाइए सुबह सुबह. सर ये लिखना है. हाँ हाँ लिखो लिखो, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसको भी. ये लिखो यहाँ पे. चलो s greater than m equal to z less than t conclusion number one, b equal to s conclusion number two, q greater than m. None follow sir. None follow. Second follow. Q से M wrong हो जाएगा. V to S. हाँ none follow. Very good. चलो ये ले लो, बाकी लोग का हो जाने दो. Then हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये वाला मत लो, ये वाला मत. सॉल्व करिए दोनों. वो यू तक दिख रहा है ना, बोर्ड विजिबल है. यस सर. नन फॉलो सर. नन फॉलो. वी टू डब्लू. अच्छा
सर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ना उसका पहला आंसर मतलब कंक्लूजन पहला वाला देख रहे तो देन मतलब दोनों अपोजिट में तो कट हो जाएगा ना स्टेटमेंट कट हो जाएगा यस यस और सेकंड वाले में ऐसा आ रहा है आंसर इक्वल्स टू फिर लेस देन है और फिर ग्रेटर देन है तो क्या बनेगा फर्स्ट वाले जस्ट मिनट फर्स्ट वाला क्वेश्चन में सेकंड वाले कंक्लूजन की आप बात कर रहे हो मतलब आप इसकी बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो साइन चेंज किया मैंने तो साइन आ रहा है पहले इक्वल्स टू आ रहा है फिर लेस देन आ रहा है और उसके बाद ग्रेटर देन आ रहा है आप उल्टा साइन जा रहे हो आपको मैंने क्या बोला था हाँ ठीक है आपको ये मिल रहा है लेकिन आप पहले से ही थोड़ा सा आंसर तो आपका आ जाएगा इससे लेकिन मेरा मेथड से चलो मैं क्या बोल रहा हूँ Q टू M में जा रहे हो आप क्या कर रहे हो M टू Q में जाके साइन ले रहे हो उल्टा कर रहे हो मैं बोल रहा हूँ Q टू M में जाना है देन Q टू M का उल्टा करो मतलब यहाँ से शुरुआत करो जब आप उल्टा जाओगे तो यहाँ शुरुआत करो सीधा जाओगे तो यहाँ शुरुआत करो अच्छा साइन तो साइन नहीं 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 गलती नहीं है साइन तो वही हो रहा है मैंने पहले बोला साइन वही होगा लेकिन ये जब आगे बढ़ेंगे ना अपने सेकेंड टाइप में या थर्ड टाइप में देन प्रॉब्लम आपको होगा तो हैबिट अभी से वही डालो कि जो एक ही रूल मतलब एक ही तरीका सारे टाइप्स में फॉलो हो तो ये सर अभी आ रहे हैं लेस देन सॉरी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू आ रहे हैं अच्छा ठीक है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ठीक है ये आया आपका नहीं 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 इसका अपोजिट मतलब इक्वल टू राइट साइड में रहेगा ऐसा हां तो ये लेस देन का अपोजिट ग्रेटर ग्रेटर का अपोजिट लेस देन इक्वल का अपोजिट इज इक्वल यही हुआ ना अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर देखिए हम लोग ना उल्टा आते हैं ना जब भी तो क्योंकि बाजू में साइन क्या है फिलहाल में अभी क्वेश्चन में लेस देन है ना तो ग्रेटर देन हो जाएगा उसका ग्रेटर देन ले लिया मैंने यहाँ पे ठीक है फिर ये बताओ ये कौन सा साइन है उसके बाद ये तो ग्रेटर देन है तो उसका भी लेस देन बनेगा ना लेस देन हो जाएगा ठीक है उसके बाद इक्वल्स टू तो मैंने भी तो यही लिया था ना चलो अब बताओ ये तीन साइन मिला हाँ ये भी अपोजिट हो जाएगा ना सर एग्जैक्टली ये कैंसिल हो जाएगा हाँ। और ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्लियर ओके चलिए अब ये सॉल्व करो नीचे वाला बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है सेकंड वाले का बताओ जरा नन दोनों का नन आ रहा है सर वैसे आपकी तबीयत कैसी है सर मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ मेरा तबीयत तो क्या हो गया एकदम मस्त मौला हूँ मैं मस्त रहता हूँ सर कल आपका थोड़ा सर दर्द हो रहा है सर जी हाँ वो हो जाता है कभी कभी क्या होता है देखो कभी कभी मोबाइल भी खराब हो जाती है ना इलेक्ट्रॉनिक चीज तो दिमाग है यार चलते रहता है कभी हो जाता है सर आप सम सॉल्व करो ना थोड़ा नहीं समझ रहा है नहीं समझ रहा है चलो करे सॉल्व आगे बढ़े सब किसी का बाकी है पेंडिंग है रुकना है वेट करना है बता दो दो मिनट ठीक है एक मिनट दूंगा मैं दो ज्यादा हो गया दो मिनट रुकते हैं क्या नाम है आपका मैम किसने बोला था सम सॉल्व करते तन्वी तन्वी सर सुना ना हाँ बोलो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कंक्लूजन V से W में जा रहा है मतलब उल्टा जा रहा है ठीक है करेक्ट तो अपन सिर्फ साइन को उल्टा कर देंगे ना एग्जैक्टली उल्टा कर तो साइन है उसमें तो उसको कट कर देंगे क्या करेंगे कट नहीं होगा ना मैम कंपेयर होगा देखो कंपेयर V टू W में जा रहे हो आप तो देखो V टू W में जा रहे हो साइन क्या क्या होगा लेस देन इक्वल लिया या तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा ये लेस देन लिया है देन इक्वल ग्रेटर बनेगा अगेन ये लेस देन इक्वल बनेगा ग्रेटर देन कंपेयर होगा हां मैं यही कंफ्यूज हो रही हूं तो कैसे नहीं करना है तो क्या साइन मिला आपको कंपेयर करने पे ग्रेटर क्या ये ग्रेटर का साइन यहां पे गिवन है क्या नहीं नहीं रॉन्ग कर दो अच्छा ऐसा है कि मतलब साइन रहना चाहिए तो राइट हो सकता है वो हां यही है ओके निशा हो जाएगा तो फटाफट बताओ यस सर डन यस सर हम लोग थोड़ा सा अब बढ़ते हैं आगे एक मिनट रुको जरा
चलिए चलो V2S में जाना है, पहला वाला कंक्लूजन देखते हैं। V2S में जाना है, V कहां पर है? यहां पर है। S कहां पर है? यहां पर है। V2S में जा रहे हो आप, तो क्या क्या साइन मिलेगा उसको हम लिख लेते हैं। उल्टा आ रहे हो तो क्या करोगे साइन को आप? उल्टा कर देंगे। उल्टा कर दोगे तो ग्रेटर क्या बनेगा? लेस देन। लेस देन। और लेस देन क्या बनेगा? ग्रेटर। आगे साइन चेक नहीं करना, आगे साइन चेक नहीं करना है क्योंकि ये जगह पे कैंसिल हो गया। ठीक है, जगह पे कैंसिल हो गया, इसे रॉन्ग मार्क करना है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलिए अब क्यू टू एम में जाना है। क्यू कहां पर है? यहां पर है। एम यहां पर है। देन अगेन आप उल्टा आ रहे हो तो लेस देन बनेगा ग्रेटर, ग्रेटर बनेगा लेस देन। देखो आगे बढ़ने की गरज नहीं है, यहाँ पे वो अपोजिट हो गया, कैंसिल करो, कंक्लूजन को भी रॉन्ग मार्क कर दो। समझ में आया सबको? यस सर। पूछना है इसमें कोई डाउट है फर्स्ट वाले में? नो सर। चलो अब यहाँ पे आते हैं, वी टू डब्ल्यू में जाना है। वी कहाँ पर है? यहाँ पर है। डब्ल्यू यहाँ पर है। वी टू डब्ल्यू में आप जा रहे हो तो देखो ये जो उल्टा जा रहे हो तो साइन को उल्टा करते हुए चलो तो लेस देन इक्वल बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन बनेगा ग्रेटर, देन लेस देन इक्वल बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल बनेगा इक्वल। अब ये देखो यहाँ पे ये कंपेयर करने लायक एक ही ग्रुप का साइन है या मिक्स ग्रुप का साइन बताओ? एक ही ग्रुप, एक ही ग्रुप का साइन, राइट? देन इसको कंपेयर करो कि कौन सा साइन पहले आना चाहिए। ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन का साइन एज इट इज हमें कंक्लूजन में भी चाहिए होता है, तो क्या यहाँ पर है क्या? नहीं, बस रॉन्ग कर दो, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, सब बना बनाया मिलता है। अभी देखो टी से यू में जाना है। टी कहाँ पर है? यहाँ पर है, और यू यहाँ पर है। ठीक है, यू में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो? Yes. दोनों साइन सीधा लिख लो एज इट इज और कंपेयर कर लो, क्योंकि इक्वल की वैल्यू कोई होती नहीं है, इक्वल सबसे छोटा होता है। देन कंपेयर करेंगे तो यही मिलेगा साइन लेस देन इक्वल। Yes. और लेस देन इक्वल क्या हमारा कंक्लूजन में गिवन है क्या? नो no. अच्छा कहाँ दिख रहा है? रॉन्ग हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, तो दोनों रॉन्ग हो जाएगा सर। जब कंपेयर करते हैं हम लोग, सॉरी, जब ना साइन देखते हैं ना कौन सा बड़ा है, तो ग्रेटर देन सबसे बड़ा होता है, तो फर्स्ट वाला ही देख के और स्टेटमेंट में नहीं दिखा तो रॉन्ग कर देंगे, सेकंड नहीं दिखेगा। नहीं नहीं समझा नहीं, फिर से बोलो क्या? नहीं मतलब जैसे आपने बोला सबसे बड़ा साइन ग्रेटर देन होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है बड़ा सर? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल तो मतलब अगर हम लोग ने फर्स्ट देखा कि ग्रेटर देन नहीं दिख रहा है कंक्लूजन में, तो फर्स्ट देख के रॉन्ग कर देने का स्टेटमेंट नहीं दिखा तो सर नहीं समझा आप? रुको रुको, पहले ये अरे नहीं सुनो, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगी मैं। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, मैं बता देना मेरे को, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, रुको जरा, लेकिन रुको रुको, मैं बोल रहा हूँ पहले जो फॉर्मूला है ना, पहले उसको समझो पहले। ये मैं क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि रूल आपका दिमाग में पक्का होना चाहिए। देन मैं शॉर्टकट पढ़ाने वाला, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं शॉर्टकट पढ़ाऊंगा इसके बाद तो आपको क्लियर होगा। ये देखो ये सिर्फ आपका रूल पक्का करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक समझ लो वार्म अप है आपका। अभी एक्चुअल शॉर्टकट तो बाकी है, वो करेंगे हम लोग अभी। इसको नोट डाउन कर लो सभी लोग, ये हो क्या? हो गया सर, कर लिया। हो गया सर। चलो रफ कर दूं क्या? मैं रफ कर दूं? हां सर। चलिए स्टेटमेंट दिया हुआ है P less than R less than equal to C equal to S greater than Q greater than T and conclusion given है P less than Q and the number two, ये है स्टेटमेंट दे रहा हूँ।
तब तक सॉल्व करो उसे. सेकंड फॉलो ओनली सेकंड फॉलो ओनली सेकंड फॉलो. स्टेटमेंट नंबर थ्री. चलो चलो लगाओ लगाओ इसको. ओनली फर्स्ट फॉलो फॉलो. ये ना लो ये ना लो ये बात में लूंगा. ओनली सेकंड फॉलो किसका? क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री किसमें से बोल रहे हो? पहले का फर्स्ट का सर. ओनली सेकंड फॉलो एस टू पी. हाँ करेक्ट. चलो ये तीन सॉल्व करो. थर्ड का फर्स्ट फॉलो. फर्स्ट फॉलो थर्ड का फर्स्ट फॉलो एफ टू डी. यस करेक्ट फर्स्ट फॉलो होगा. वेरी गुड. और सेकंड का क्या बताया आप लोगों ने? फर्स्ट फॉलो. फर्स्ट फॉलो सेकंड का. ओके वेरी गुड वेरी गुड. बाकी स्टूडेंट आंसर करिए. वैष्णवी उर्वी तन्वी स्वप्नाली सुनीत स्नेहल संतोष का आंसर आ गया. साक्षी रितिका रितिका आंसर करो. प्रियंका प्रियंका सर सेकंड में भी सेकंड फॉलो. सेकंड में भी सेकंड फॉलो. अच्छा 9-2-2. नहीं नहीं रॉन्ग है. सेकंड में सेकंड फॉलो नहीं होगा. प्रियंका का स्क्वायर फटाफट बता दो आंसर क्या आया. सर सेकंड स्टेटमेंट का ओनली फर्स्ट फॉलो. सेकंड हाँ करेक्ट फर्स्ट फॉलो. अरे ये बताओ प्रियंका के स्क्वायर बताओ फटाफट. सर थर्ड का सेकंड रॉन्ग है. थर्ड का सेकंड रॉन्ग है. मिताली का स्क्वायर बताओ फटाफट. स्क्वायर मतलब दो लोग याद रखना. क्यूब मतलब तीन लोग. थर्ड का फर्स्ट राइट है. वेरी गुड. ये हुई ना बात. ऐसे ही सॉल्व करो. चैप्टर मजे जा रहे हैं. बहुत इजी है. स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये. सर एग्जाम एग्जाम में भी कंक्लूजन में फोर ऑप्शन रहता है. तीन ऑप्शन ऑप्शन आते हैं. फोर भी आ सकता है लेकिन अगर आप मिनिमम दो रहता है. जनरली दो रहता है. पीओ के एग्जाम में तीन या चार हो सकता है लेकिन क्लरिकल के एग्जाम में दो ही रहेगा. अब कभी कभी पीओ के एग्जाम में भी दो ही आता है चार या तीन नहीं आता. लेकिन मैं तीन और चार की भी प्रैक्टिस कराऊंगा. दिनल दिव्या गीता विशाख और कौन नया स्टूडेंट था? नेहा आप नए हो? यस सर. समझ में आ रहा है ना? सर थर्ड में भी फर्स्ट फॉलो. थर्ड में भी फर्स्ट फॉलो. अब चले सॉल्व करें. सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे. आ गया हो तो सॉल्व करें. हाँ सर. पी से क्यू में जाना है. देखो पी यहाँ पर है क्यू यहाँ पर है. सीधा जा रहे हो. साइन को सीधा रखोगे ना? ठीक है साइन को सीधा रखोगे नहीं रखोगे? यस सर. ले लो साइन को सीधा. ये लेस देन इक्वल इक्वल और ये ग्रेटर. तो देखो क्या ये कंपेयर करने लायक है क्या कि मिक्स ग्रुप हो गया यहाँ पे. मिक्स हो गया. कैंसिल करना है इसको भी रॉन्ग करना. ठीक है एस टू पी में जाना है. एस यहाँ पर पी यहाँ पर. अगेन आप उल्टा जा रहे हो. साइन को उल्टा करो. इक्वल को एज इट इज लिख लो. लेस देन इक्वल दिया है उसको ग्रेटर देन इक्वल लिख लो. यहाँ पे भी लेस देन इक्वल दिया है यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल लिख लो. अब ये कंपेयर करने लायक है या मिक्स ग्रुप का है ये डिसाइड करो. कर सकते कंपेयर. और कंपेयर करेंगे तो क्या साइन मिलेगा?
greater than equal greater than equal greater than equal or greater than equal हमारे conclusion में given है, it means ये correct है, ठीक है. 6 to 9 दिया हुआ है. 6 कहाँ पर है? यहाँ पर है. 9 कहाँ पर है? यहाँ पर है. 6 to 9 में उल्टा आ रहे हो, then sign को उल्टा करते हुए चलो, less than equal बनेगा, greater than equal, equal as it is, less than equal again greater than equal बनेगा, less than बनेगा greater. क्या ये mix group का sign है या फिर एक group का sign? एक ही group है. एक ही group का है ना? तो compare कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यहाँ पे? कर सकते हैं. तो ये compare करेंगे तो क्या मिलेगा? Greater than. और greater than यहाँ पे given है तो ये हमारा correct हो जाएगा. Clear? सर ये कंपेयर करने नहीं आ रहा है मुझे. वैसे ही रूल है ना, नंबर अगर दे दिया ना तो भी घबराना नहीं है कि मतलब नंबर दिया तो अलग रूल फॉलो करना है, अल्फा दे दिया तो अलग रूल फॉलो करना है. नहीं, वही तरीका है. उल्टा होगे तो उल्टा, वो नंबर से मत घबराओ कि मतलब 6 ग्रेटर है 9 से. मतलब देखा जाए तो ये लेस देन है एक्चुअल, बट वो 6 ग्रेटर देन 9 दिया है, मतलब वो हमें रूल के हिसाब से चलना है. अच्छा, समझ में आ रहा है? सर मैं सिंबल तो बराबर ले ले रही हूँ, मतलब उल्टा जाएंगे तो उल्टा और साइन उल्टा करके, लेकिन जो आंसर लेने के बाद जो कंपेयर कर रहे हैं ना आप, वो मुझे नहीं आ रहे. चलो अच्छा बताओ, सिंबल कंपेयर कर रहे हैं ना, वो एक बार फिर से बता दीजिए ना अभी ये क्वेश्चन. नहीं, आप मुझे बताइए आप कैसे कर रहे हो. 6 to 9 नहीं है, ठीक है. 6 to 9 में जा रहे हैं. 6 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर, ठीक है. तो 6 to 9 में जा रहे हो, आप भी उल्टा जा रहे हो इसी तरीके से, ठीक है. अब साइन मुझे साइन बताते चलिए मुझे क्या क्या आएगा साइन. पहले आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ ले लिया मैंने, ले लिया. और उसके बाद इक्वल्स टू, हाँ. उसके बाद वापस से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है. उसके बाद ग्रेटर लेस देन, नहीं सॉरी ग्रेटर देन, ठीक है. ये साइन आया, यहाँ तक आपका बन रहा है, राइट. हाँ, इसके बाद प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना. तो हाँ देखो, इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. अब क्या करो, अब रूल नंबर 2 देखो, लिखा है कि नहीं लिखा है, कि स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिखा है. रूल नंबर 2 में देखो कि ये एक ही ग्रुप का ग्रेटर ग्रुप का है या सिर्फ सेपरेट लेस देन ग्रुप का है या फिर दोनों मिक्स ग्रुप का है, चेक करो. नहीं, ग्रेटर ग्रुप का है. ग्रेटर ग्रुप का मतलब एक सेपरेट ग्रुप का फॉर्म, मतलब फॉर्म कर रहा है. तो सेपरेट ग्रुप का ये हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही तो नहीं पता मुझे. अरे कर सकते हैं. देखो अगर एक ही ग्रुप का होगा देन कंपेयर होगा. हमारा रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जब दोनों ग्रुप के आ जाते हैं तो हमें कैंसिल करना होता है, बट एक ही ग्रुप का होता है देन कंपेयर कर सकते हैं. देखो रूल नंबर 2 में देखो क्या क्या लिखा था मैंने. ग्रेटर लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल लिखा था और इक्वल लिखा था, यही लिखा था ना. हाँ सर. अब पहला प्रेफरेंस दिया था ग्रेटर को, सेकंड दिया था ग्रेटर देन इक्वल को, लेस दिया था इक्वल को, यही दिया था मैंने. Yes. तो देखो ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, इक्वल दिया है, अगेन ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ग्रेटर दिया है. तो आपको ये साइन मिला ना, तो एक ग्रुप का मिला, और जब एक ग्रुप का साइन मिलता है तो आपको कंपेयर करना होता है. अगर दोनों ग्रुप का साइन मिलता है तो कंपेयर की बात ही नहीं आती, कैंसिल हो जाता है. तो एक ही ग्रुप में साइन कंपेयर करना होता है. तो यहाँ पे जब ऐसा एक ग्रुप का आएगा देन आप डिसाइड कर लो इसमें से बड़ा साइन कौन सा होगा. ग्रेटर देन, ठीक है. और ये जो ग्रेटर देन आपको मिला है वही साइन कंक्लूजन में भी चाहिए होता है. तो वही साइन कंक्लूजन में है क्या? हाँ है सर. बस करेक्ट हो गया, बस यही तो करना था. ओके. अब आते हैं यहाँ पे 9 to 2 में जाना है. 9 इधर है, 2 इधर है. उल्टा जा रहे हो सीधा जा रहे हो? बताओ उल्टा जा रहे हो या सीधा जा रहे हो? साइन एज इट इज ले लो, साइन एज इट इज ले लो. मैंने साइन एज इट इज ले लिया सब कुछ. अब ये एज इट इज ले लिया, अब डिसाइड करो कि एक ही ग्रुप का है या मिक्स ग्रुप का है. एक ही ग्रुप का है. एक ही ग्रुप का है, देन एक ही ग्रुप का होगा तो कंपेयर भी कर सकते हैं. अब कंपेयर करो, बड़ा साइन कौन सा है? ग्रेटर देन. और क्या ग्रेटर देन यहाँ पे गिवन है? नो. तो रॉन्ग कर दो. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर. यस सर. चलिए थर्ड पे आते हैं.
एफ टू डी में जाना है, एफ इधर है, डी यहाँ पर है, सीधा जा रहे हो आप, तो साइन को सीधा ले लो, जितने भी साइन है इक्वल दिया है एज इट इज ले लो, लेस देन इक्वल दिया है एज इट इज ले लो, लेस देन दिया है एज इट इज ले लो। अब डिसाइड करो क्या एक ही ग्रुप का साइन है कि अलग अलग ग्रुप का साइन। एक ग्रुप है। कंपेयर करके बताओ कौन सा साइन आना चाहिए था। ग्रेटर लेस देन, लेस देन इक्वल लेस देन है, और लेस देन, लेस देन यहाँ पर गिवन है क्या? यस, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलो, ए टू एस में जाना है, ए यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, अगेन आप सीधा जा रहे हो, साइन को लिखते हुए चलो, जो जो साइन मिला है बीच में उसको लिखते हुए चलो। देखो ये साइन मिला यहाँ पे लिख लिया, ये साइन मिला यहाँ पे लिखा, ये साइन मिला यहाँ पे लिखा, और ये साइन यहाँ पे मिला। अब बात बताओ कि ये एक ही ग्रुप का है या मिक्स ग्रुप का है साइन जो मिला? मिक्स ग्रुप का। कैंसल एंड देन कंक्लूजन को भी रॉन्ग मार्क करना। क्लियर एवरीवन? किसी को इसमें डाउट हुआ तीन इसमें तीनों में? नो सर। पक्का क्लियर है सबको? यस। हेलो, हाँ इशाक बोलो। तो कैंसल कैसे किया? देखो इशाक, क्या क्या साइन मिला हमें, सीधा जा रहे थे तो ये यहाँ पे साइन मिला, ये ग्रेटर का साइन मिला, ये इक्वल का साइन मिला, और यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन मिला। तो यहाँ पे देखो इशाक, ये दोनों एक ही ग्रुप का साइन है, ये जो साइन मिला एक ही ग्रुप का है या दोनों ग्रुप मिक्स हो गया है, ये डिसाइड करो आप। देखो ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये ग्रेटर है, और ये क्या है लेस देन इक्वल, तो लेस देन और ग्रेटर दोनों साथ में आ गए। तो हमारा रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि जब भी दोनों साथ में आ जाए कैंसिल कर देना और कंक्लूजन को भी रॉन्ग मार्क कर देना। हाँ हाँ बोलो पूनम। सर क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड, उसमें रॉन्ग नहीं है वो करेक्ट आएगा क्योंकि वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है। अच्छा। देखो नाइन ग्रेटर तो वो, और नीचे भी आप मतलब आंसर राइट रहेगा। अच्छा अब राइट है, चेक करो। हाँ सर। अच्छा, सर देखो नाइन से। अच्छा थोड़ा सा आराम से शांति से, सर उसने साइन देखा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये तीन साइन मिला है तो हाँ। शांति शांति से चेक करो, बड़ा वाला साइन कौन सा आएगा? ये ग्रेटर लेस देन आएगा। लेस देन आएगा, क्या लेस देन वहाँ पे है क्या? नहीं। तो फिर लेकिन सर वो एक ही ग्रुप का है ना वो? हाँ एक ही ग्रुप का है, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने पे जो साइन मिलेगा वही साइन हमें कंक्लूजन में भी चाहिए होता है। अगर वही साइन हर कंक्लूजन में देते बैठेगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, ऑल ट्रू, तो हम रॉन्ग क्यों करते? तो यहाँ पे जो साइन मिला है वो मैच करना है, क्या वो साइन वहां पे एज इट इज है तो करेक्ट करना है, अगर वो साइन एज इट इज नहीं है उसको रॉन्ग करना है। अगर सब में बताओ मुझे कि सब में अगर कंपेयर करके दे देगा तो हर क्वेश्चन में आप ऑल ट्रू मार्क के आ जाओगे, तो वो सब राइट हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। पक्का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो बताओ सेकंड वाला? सर क्लियर हुआ। ठीक है, क्या होता है कि कंपेयर करना पड़ता है, अगर यहाँ पे कंपेयर हम नहीं करेंगे तो आप जैसे बोलोगे कि सर यहाँ पे कंपेयर किया मुझे साइन मिला यहाँ पे लेस देन, ठीक है लेस देन तो मिला, बट वो लेस देन का यूज कहाँ करना है? कंक्लूजन में ही यूज करोगे ना। अगर यहाँ पे दिया है लेस देन इक्वल दिया है बट आपको मिला लेस देन, तो मैच तो हो रहा ही नहीं है, वो रॉन्ग कर देना। देखो ये बात हो गई हमारे थोड़े से लेंदी मेथड की, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लेंदी मेथड से सॉल्व किया, अब आते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट सॉल्व करने से पहले एकदम दिमाग को रिलैक्स रखो, घर में क्या बन रहा है वो छोड़ दो, मस्त घर की खुशबू आती होगी खाने की, उसको ध्यान मत देना। इतना जल्दी नहीं आता है, 8 बज गए तो आना चाहिए। नाश्ता, नाश्ता। नाश्ते की आती है? अरे तो आती तो है ना, कुछ ना कुछ तो आती है, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब खाना खाना होता है, क्या नाश्ते का है चाहे खाने का है। चलो यहाँ पे पूरा ध्यान, यहाँ पे किचन में कोई ध्यान नहीं देगा। देखो यहाँ पे अब मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, कोई लिखेगा नहीं, बुक क्लोज। अभी देखो एक शॉर्ट रिकॉल ले लेते हैं हमारे रूल की। रूल हमारा क्या कहता है, सीधा जाएंगे तो क्या होगा साइन? सीधा सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, उल्टा जाएंगे देन साइन उल्टा होगा।
ठीक है, पहला रूल। सेकंड कि अगर दोनों ग्रुप का साइन एक साथ आ गया तो उसको कैंसिल करना है। थर्ड वाला क्या था, अगर एक ही ग्रुप का होगा तो आपको साइन कंपेयर करना है और चेकआउट भी करना है कि जो आपने साइन कंपेयर करने पे जो साइन मिला वही साइन क्या वो कंक्लूजन में दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो करेक्ट करना है, अगर नहीं दिया होगा उसको रॉन्ग मार्क करना है। ये था हमने जस्ट एक समरी लिया हमने कि ये रूल होता क्या, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस के हमने प्रैक्टिस भी किए, इससे थोड़ा सा वार्म अप हो गया। एक्चुअल हमें तो वो मेथड से सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में थोड़े अलग सॉल्व करना है। देखो हमें सॉल्व कैसे करना है, पूरा ध्यान सभी लोग यहाँ पे देंगे। देखो P से Q में जाना है, P यहाँ पर है, सेम फॉर्मूला वही रखना है, Q यहाँ पर है। आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आप सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो, फटाफट डिसाइड करो। सीधा बस पहला पॉइंट ये चेक करना है, सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो। पॉइंट नंबर टू, शॉर्टकट ट्रिक सॉल्व करने से पहले पॉइंट नंबर टू ये याद रखना है, आपको जो ऊपर साइन दिया हुआ है उसमें ही ऊपर चेक कर लो क्या वो अपोजिट ग्रुप का साइन दिया हुआ है या सेम ग्रुप का साइन दिया हुआ है, चेक करो। अपोजिट है, देखो अपोजिट और सेम ग्रुप ये दोनों में फर्क समझो, जिसे नहीं समझ रहा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दिया है लेस देन इक्वल, लेस देन की बात हो रही है, यहाँ पे भी दिया है लेस देन इक्वल, यहाँ पे दिया है इक्वल, और यहाँ पे दिया है ग्रेटर। जाना कहाँ पे था, क्यू तरफ जाना था, तो कंपेयर भी उसी के बिटवीन में जो साइन आएगा उससे को ही कंपेयर करना, उनके बीच में जो साइन आएगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल, यहाँ पे लेस देन इक्वल, यहाँ पे आ गया ग्रेटर, तो मिक्स हुआ कि नहीं साइन, मिक्स हुआ कि नहीं मुझे बताओ। हाँ हुआ है। जब मिक्स हो गया आंखें बंद करके इसको रॉन्ग मार्क कर दो, सिंपल, लिखने की गरज ही नहीं। पहला क्या चेक किया आपने, सीधा जा रहे हो उल्टा जा रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या चेक किया आपने, ऊपर अपोजिट है क्या, देन देखा आपने अपोजिट है, रॉन्ग टिक कर दो, सिंपल। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? क्लियर। चलो सेकंड पे आते हैं, एस टू पी में जाना है। देखो एस टू पी में जा रहे हो, एस यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, उल्टा जा रहे हो ना, ये आपने देखा। सेकंड चेक करो कि यहाँ पे अपोजिट ग्रुप का साइन है क्या। नो सर। नो सर, मतलब अगर अपोजिट ग्रुप का साइन है तो सीधी बात है कि वो कंपेयर होना ही होना है 100%। तो आप ऊपर ही ना, लिखना नहीं है विदाउट पेन पेपर, लिखना नहीं है, ऊपर ही डिसाइड कर लो, ऊपर डिसाइड कर लो कौन सा साइन बड़ा आएगा, ऊपर डिसाइड करो, ऊपर डिसाइड करके बताओ कौन सा बड़ा आएगा। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल आएगा। अरे नहीं, ऊपर डिसाइड करो कौन सा बड़ा आएगा। लेस देन इक्वल आया, ठीक है, बट उल्टा आने के वजह से वो लेस देन इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। और ये सारी चीजें ओरली करनी है, मैं पहले बता रहा हूँ, विदाउट पेन पेपर। ये एग्जाम में एक मिनट में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं पांच, एक मिनट भी कम, एक मिनट के अंदर पांच क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब ये इतना इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि एक 40 सेकंड या 50 सेकंड्स में आपके पांच मार्क हाथ में आ जाएंगे। ओरली का प्रैक्टिस करो सिर्फ, ऐसा नहीं है कि बुक से लिखते जा रहे हो, टाइम लगता है, देखोगे ना ओरली समझ में आएगा। अगर आप कंपेयर उल्टा, अगर अपोजिट साइन नहीं दिया हुआ है देन आपको क्या करना है, कंपेयर ऊपर ही करना है। अगर आप सीधा जाओगे तो साइन को एज इट इज कंपेयर कर लेना, अगर आप उल्टा जा रहे हो देन अपोजिट करके फाइनल कंपैरिजन कर लेना यहाँ पे। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है प्लीज यहाँ पे पूछ लो। क्वेश्चन नंबर वन में किसी को डाउट है? हेलो, हाँ ईशा बोलो। आप पी पी एंड क्यू क्यू गए थे, मतलब राइट टू लेफ्ट गए थे ना? पी से क्यू हम सीधा गए थे, सीधा। हाँ पीछे क्यों सीधा गए थे हम, ठीक है। तो साइन ग्रेटर की है ना, सुनो सुनो, पीछे क्यों जब हम सीधा गए थे ना तो ऊपर वाले साइन में हमने क्या देखा था, ऊपर साइन में इशारा देखो कि क्या ये एक ही ग्रुप का साइन आ रहा है पीछे क्यों में जाते वक्त या दोनों ग्रुप के साइन मिक्स हो रहे हैं, चेक करो। मिक्स हो रहा था, मिक्स हो रहा है। और जब हमारा रूल क्या बोलता है, जब चाहे आप लिखो यहाँ पे नीचे लिखो आराम से, चाहे हम ओरली सॉल्व करें बात एक ही होती है, बट ओरली में हमारा टाइम बचता है,
तो जब मिक्स हो रहा है तो सिंपल हमारा रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग, साइन भी रॉन्ग, डायरेक्ट रॉन्ग कर दो। क्लियर रिशॉर्ट? ओके, सेकंड वाला भी क्लियर हुआ है? किसी को डाउट कोई है बताइए, कोई है इसे डाउट है? नो सर। नहीं, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 to 9 में जाना है। 6 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। पहला काम क्या करोगे आप, चेक करो अपोजिट ग्रुप का साइन है क्या। यस सर। नो सर। अरे अपोजिट ग्रुप का साइन कहाँ दिख रहा है? नहीं है। नो सर। सही है। नहीं है सर। हाँ बोलो। नहीं है, ठीक है, तो ऊपर ही कंपेयर कर लो, बड़ा साइन क्या है? ग्रेटर है यहाँ पर। यस, करेक्ट कर दो, सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पे 9 से 2 में जाना, 9 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। पहला काम आप चेक करो अपोजिट ग्रुप का साइन है या नहीं है। नहीं है। नहीं, मतलब कंपेयर होगा। कंपेयर कर लो, ऊपर ही कंपेयर कर लो। लेस देन, कंपेयर करने पे लेस देन मिला, बट सीधा जा रहे हैं तो साइन को सीधा रखना है, तो लेस देन क्या यहाँ पर है क्या? नहीं, लेस देन रॉन्ग कर दिया। सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर, क्लियर है। बाकी लोग बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है ना? इधर आ जाओ, F टू D में जाना है। F यहाँ पर है, D यहाँ पर है, सीधा जा रहे हो आप। पहले चेक करो साइन, साइन इसमें जो है वो मिक्स ग्रुप का है क्या, पहले चेक करो। नहीं सर। नहीं, मतलब कंपेयर होगा ना, कंपेयर होगा। ऊपर कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो। लेस देन, और सीधा जा रहे हो ना, तो लेस देन को एज इट इज ही रखना है हमें। क्या लेस देन है यहाँ पर? हाँ है। यस, फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, ए टू एस में जाना है। अब ऊपर पहले चेक करो कि उसमें अपोजिट ग्रुप का साइन है क्या। है। हाथ बंद करके रॉन्ग, कितना टाइम लग रहा है बताओ, है ना? थोड़ा सा ये तो समझाते वो, और ये को 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो मैं कहता हूँ अगर आप 5-5 सेकंड्स भी देते हो एक क्वेश्चन को, मैक्स 5 सेकंड बहुत होता है इस पे, अगर प्रैक्टिस अच्छी हुई तो। हाँ बोलो। एग्जाम में भी ऐसे आएगा? हाँ ऐसे आएगा। अच्छा, और मैं क्या कह रहा था, अगर ये आप 5-5 सेकंड्स में करते हो, 5 क्वेश्चंस, 25 सेकंड्स, 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, 30 सेकंड्स में, मतलब एक 30 सेकंड्स में 5 मार्क हाथ में आ जाते हैं आपके, सिंपल ऐसी। लेकिन प्रैक्टिस ओरली करना है। चलो रफ कर दो सर, क्या बोल रहे हो मैम? सर अगर मैं कभी भी एग्जाम में हमने कोई रॉन्ग ऑप्शन में टिक किया तो बाद में उसको वापस करेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, लेकिन टाइम के अंदर, मतलब अगर आपने टाइम है 20 मिनट का टाइम दिया हुआ है और आपने रॉन्ग टिक कर दिया, आपको रियलाइज हो गया कि आपने रॉन्ग टिक किया है, तो वो टाइम बॉन्ड के अंदर आप कर सकते हो, आगे पीछे मूव ऑन कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो खुद को, तो कर सकते हो, लेकिन टाइम के अंदर, टाइम चला गया तो देन सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑफ ए नेगेटिव मार्किंग 0.25, तो मतलब आपका एक मार्क गया तो गया, वो तो गया ही, प्लस माइनस भी 0.25, मतलब 1.25 मार्क्स आपके चले गए। चलो रफ कर दूं मैं, अब विदाउट पेन पेपर सॉल्व करना। विदाउट पेन पेपर चाहिए सॉल्व करना, सब कुछ ट्रीटमेंट दे रहा हूँ।
greater than c, greater than equal to n, less than equal to e, equal to s, conclusion number one, I greater than h, conclusion number two, c greater than equal to s. Question number one, question number two. Both wrong. Very good. Neither for. Very good, very good. Wrong. Very good. Shabash. Chalo, isko batao. Both wrong. First follow. Both wrong. Sir, first wala dono wrong hai. Very good. Chalo, isko batao. No, sir. Second maybe none follow. Second maybe none follow. Very good. Second maybe none follow. Shabash. Sir, second भी दोनों wrong. Third भी दोनों wrong. Third भी दोनों wrong. फंस गए. Third का second follow. Very good, very good. Second follow होगा third का. Second follow. अरे ये ऐसा topic है ना कि मैं मतलब ऐसा आप लोग को देख के समझ में आ रहा है. Third में second follow. अच्छा बताओ अगर वो लिखने के हिसाब से बहुत लंबा टाइम जा रहा था ना अभी थोड़ा इजी गिर रहा है कि नहीं हाँ सर है ना इजी चलो बाकी लोग का आंसर बताओ फटाफट सर थर्ड में सेकंड अभी लिख ले सर ये हाँ अभी लिख लो आंसर ले अब आंसर थर्ड में सेकंड फॉल होगा हाँ जी मैम हाँ जी अब बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं बाकी लोग सो रहे हैं ना मतलब पक्का लॉग इन करके सो रहे हैं सच्ची बताओ प्रियंका मैम आवाज आ रही है सर फर्स्ट और सेकंड नन फॉलो और थर्ड का सेकंड फॉलो ओके सेकंड प्रियंका मैम आवाज आ रही है प्रियंका मानकुमरे आवाज आ रही है सर मैंने बोला अच्छा प्रियंका पगारे मैंने भी अभी बोला ओके और रितिका मैम आवाज आ रही है हाँ सर नन और सेकंड वेरी गुड मेरे को सो गए सब लोग चलो जागे तो हो साक्षी संतोष तो एक्टिव है चलो स्नेहल सुनीत और ये सब बोला मैंने सेकंड नन बोला सेकंड का फर्स्ट ट्राई ओके स्वप्नाली तन्वी उर्वी तो ये तो नए स्टूडेंट एक्टिव है चलो प्रथमेश का भी आंसर आ रहा है प्रगति बताओ सर फर्स्ट टू स्टेटमेंट में नन फॉलो और थर्ड का सेकंड फॉलो ओके पायल ओंकार हाँ सर फर्स्ट एंड सेकंड नन है और थर्ड इज फर्स्ट ओके ओंकार यस सर फर्स्ट और सेकंड का रॉन्ग है और थर्ड का सेकंड हो सर ओके नेहा यस सर फर्स्ट और सेकंड नन है और थर्ड का सेकंड है वेरी गुड मिताली दो मिताली है यहाँ पे मिताली का स्क्वायर जल्दी बता दो थर्ड का सेकंड फॉलो ओके एंड सेकंड मिताली अरेकर बताओ अली मिताली फटाफट मिताली मैम ने मैसेज कर दिया ओके चलो मतलब जागे हो मीना मैम बताओ फटाफट फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है सर और थर्ड का सेकंड राइट है ओके खान साहिबा हाँ सर आपका नाम मैम सच्ची खान साहिबा ही है हाँ क्यों ओके मेरे को लगा आपने ऐसे रखा है ठीक है वो तो बड़ा एकदम राजाओं वाला नाम है खान साहिबा चलो अच्छा कविता सर फर्स्ट एंड सेकंड नॉन फॉलो थर्ड सेकंड ओके काजल का आंसर आया था जगन्नाथ हरे कृष्णा सर हरे कृष्णा क्या आंसर आया आपका नहीं है ओके हर्षिता गीता चिन्मय बताओ फटाफट चिन्मय नन सेकंड ओनली थर्ड सेकंड फॉलो ओके सब लोग जाग रहे हैं मतलब चलो हम कुछ तो जागा ही है मुझे पता है हां देखते हैं I2H जाना है I2H
ये रॉन्ग हो जाएगा, एक ही साइन इक्वल चाहिए था यहाँ पे नहीं है, फटाफट सॉल्व करेंगे। C2S रॉन्ग हो जाएगा अपोजिट साइन, O2P रॉन्ग हो जाएगा अपोजिट साइन, S2V रॉन्ग हो जाएगा अपोजिट साइन, Q2V रॉन्ग हो जाएगा अपोजिट साइन, L2R रिवर्स हो जाएगा राइट। ऐसे सॉल्व करना था, कितना टाइम लगा, मजेदार है कि नहीं टॉपिक बताओ सबको। हाँ मैं एक्सप्लेन करूं या फिर दूसरा क्वेश्चन दो? देखो ईशा यहाँ पे बोला देखो I2H में जाना है, I यहाँ पर है, ईशा बोलो रॉन्ग होगा ना वो तो। हाँ रॉन्ग हो जाएगा, देखो एक ही साइन है इक्वल का लेकिन यहाँ पे दिया है ग्रेटर तो ये रॉन्ग हो जाएगा। C2S में जाना है, C यहाँ पर है, S यहाँ पर है, आप ऊपर चेक करो साइन अपोजिट वाला है क्या। ईशा देखो अपोजिट वाला यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया, यहाँ पे लेस देन इक्वल दिया, तो दोनों अपोजिट हो गया ना, साइन मिक्स रूप हो गया ना। हाँ मिक्स अप होगा, रॉन्ग होगा ना सर, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओ टू पी जाना है, ओ यहाँ पर है, ओ पी है आप यहाँ पे आ रहे हो, तो यहाँ पे ऊपर चेक करो कि मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, चेक करो उसे पी में जाते वक्त आपको मिक्स ग्रुप का साइन मिल रहा है क्या, ऊपर चेक करो। विदाउट पेन पेपर देखो ना, ओरली देखो ना, यहाँ पे समझेगा आपको, यहाँ पे दिया है लेस देन, यहाँ पे दिया ग्रेटर, दोनों ग्रुप का मिक्स हो गया ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है इसको, लिए एस टू बी में जाना है, एस यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो एस टू बी में जा रहे हो आप यहाँ पे ऊपर देखो कि एक ही ग्रुप का साइन है या मिक्स ग्रुप का साइन है। सर ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल दिया है। अच्छा अच्छा रुको रुको, आपको ना शायद मुझे लग रहा है साइन में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ साइन में। देखो देखो एक ग्रुप का साइन अगर मैं बोलूँ ना, तो एक ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रेटर दिया हो या ग्रेटर देन इक्वल दिया हो या इक्वल दिया, तो ये एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप का साइन जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा आ गया लेस देन दे दिया, लेस देन इक्वल दे दिया, इक्वल दे दिया, ये एक ग्रुप हो गया, तो दोनों सेपरेट सेपरेट एक ही ग्रुप है। अगर एक ग्रुप का साइन का बात करूं मैं, तो यही तीन आना चाहिए, चाहिए तो वो साइन रिपीट होगा चलेगा, मतलब एक बार ग्रेटर वापस दे दिया चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल एक बार दे दिया एक्स्ट्रा चलेगा, बट यही ग्रुप आना चाहिए। और मिक्स ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल दे दिया, और ये दोनों साइन में से कोई एक साइन आ गया, या फिर एक 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 साइन आ गए, या फिर सारे साइन आ गए, तो मिक्स हो गया, तो वो कंडीशन हम लोग मिक्स ग्रुप की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे एस टू वी में जाना है, देन ऊपर चेक करो यहाँ पे देखो इशाक कि यहाँ पर एक ही ग्रुप का साइन है या फिर दोनों मिक्स ग्रुप का साइन है, देखो जरा मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, कैसे मिक्स हो रहा है मैं बताता हूँ। देखो अगर एक ही ग्रुप का होता तो ये या तो इस एक ये ग्रुप नंबर ए का आता या तो ग्रुप नंबर बी के आते हैं, ठीक है, बट ये साइन आता या तो फिर ये साइन में आता, तो देन कंपेयर कर सकते। अब मिक्स कैसे हो रहा है, देखो पहला साइन दिया ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, दूसरा साइन क्या दिया लेस देन, अब यहाँ पे लेस देन, तो दोनों ग्रुप साइन मिक्स हुआ कि नहीं मुझे बताओ। मिक्स हुआ ना, तो ये कैंसिल कर देंगे, मिक्स हुआ देन कैंसिल कर। अब यहाँ पे आ जाओ क्यू टू वी में जाना है, क्यू यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, आप ऊपर ही देख लो कि यहाँ पे मिक्स हुआ एक साइन या नहीं हुआ। मिक्स हो रहा है, शायद नहीं, कंफर्म करो। मिक्स हो रहा है, देखो ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल,
ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल दोनों अलग अलग ग्रुप का साइन होता है और ये दोनों मिक्स हो गया तो देन ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एल टू आर में जाना है, एल किधर है, यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। ऊपर चेक करो कि यहाँ पर साइन मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है नहीं हुआ बताइए। हुआ है या नहीं हुआ है? हो रहा है, मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? मिक्स हो रहा है ना सर। कैसे मिक्स कैसे हो रहा है? देखो ये कौन से ग्रुप का साइन है, लेस देन ग्रुप का साइन है, इक्वल भी यहाँ पे भी है और लेस देन इक्वल यहाँ पे दिया तो एक ही ग्रुप का साइन हुआ ना, मिक्स कहाँ हुआ, मिक्स नहीं हुआ ना, एक ही ग्रुप का साइन हुआ। तो आप उल्टा जा रहे हो तो क्या करोगे, आप पहले ऊपर कंपेयर करो इसमें से बड़ा साइन कौन सा होगा। अगर एक ग्रुप का साइन हुआ है तो बड़ा साइन हमें देखना होता है, एक ही ग्रुप का हुआ तो, मिक्स नहीं हुआ तो एक ही ग्रुप का है तो इसमें कंपेयर करो, ऊपर पहले कंपेयर करो, ऊपर क्या होगा साइन, कौन सा साइन मिलेगा, बड़ा राइट होगा, लेस देन मिलेगा ना ऊपर, लेस देन मिलेगा, बट उल्टा आने की वजह से क्या बन जाएगा, वो ग्रेटर बन जाएगा क्योंकि अपोजिट करते हैं ना हम लोग, उल्टा आने पे साइन को उल्टा करते हैं, तो ये हमारा ग्रेटर यहाँ पे दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक सच्ची बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या हो रहा है, हो रहा है ना। दो मिनट देना स्टूडेंट, सिर्फ दो मिनट। रफ कर दूं इसे मैं, अब मैं पांच क्वेश्चन और दूंगा सॉल्व करने के लिए, देन उसके बाद मैं आइदर और के रूल बताऊंगा, देन हम लोग सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें मूव ऑन करेंगे। आवाज भी आ रही है प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? यस सर। लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने, लास्ट क्वेश्चन क्या था, P is greater than Q, P less than I, ऐसा था ना? नहीं, Q वाला था, Q greater, Q वाला था ना, equal. Statement लीजिए, Y less than J equal to P greater than R, greater than I. Conclusion number one, J greater than R. Number two, Y less than R. Question number one. Only first follow. Very good. Sir, first follow आएगा first. Very good. Very good. Both wrong. None. दोनों wrong sir. Second में wrong. शाबाश. फर्स्ट वाला, सेकंड में दोनों, थर्ड का फर्स्ट सर, थर्ड का फर्स्ट राइट हो रहा है रॉन्ग हो रहा है, फर्स्ट राइट है, राइट है सर, थर्ड का फर्स्ट। सर अगर साइन अपोजिट हो गया तो दोनों चेक करने की जरूरत नहीं ना, रॉन्ग हो जाएगा ना आपके यहां, फोर्थ का बोथ राइट रॉन्ग हो जाएगा, साइन अपोजिट हो गया तो देन रॉन्ग, फोर्थ का बोथ, फोर्थ का चार ऑप्शन, ऑल थ्रू,
फोर्थ का ओनली, फोर्थ का क्या है, ओनली थ्री, ओनली थ्री बोल रहे हो? ओनली थ्री, ओनली थ्री, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। चार का सिर्फ तीन ही राइट है, एक रॉन्ग है, फोर्थ वन। चार का तीसरा वाला राइट है, बाकी सब रॉन्ग है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं, चार तीनों का राइट है, फर्स्ट थर्ड तीनों राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन राइट है, फोर्थ वाला रॉन्ग है, ऐसा बोल रहे हो? फोर्थ वाला रॉन्ग है। ओके यस सेम, बाकी लोग का आंसर? ओके यहां पर अर्चना का फर्स्ट फॉलो, देन नन फॉलो आ गया है, एंड पूजा का भी आंसर आ गया, गीता का भी आ गया है, फोर्थ का ओनली थ्री फॉलो। ओके बाकी लोग का आंसर? बाकी लोग का क्या आंसर है? नन फॉलो सेकंड का। ओके कैसा टॉपिक, कैसा लगा आप सभी लोग को, कैसा लगा था? इजी, इजी बहुत मजेदार टॉपिक है ये, बहुत स्कोरिंग है ये। हो गया सबका तो एक बार बता दीजिए, सभी लोग का हुआ? डन सर। श्रेयस आप लेट ज्वाइन किए क्या? श्रेयस शेट्टी। हाँ सर, हाँ सर, अभी ज्वाइन किया मैं, लेट हो गया मैं। लेट हो गया तो आपको तो कुछ समझेगा ही नहीं, बेसिक भी आपका गया। हाँ सर, वही सेशंस था थोड़ा। ओके ओके वैसा तो अभी नेक्स्ट टेस्ट में समझेगा नहीं सर? नेक्स्ट में तो बिल्कुल नहीं समझेगा क्योंकि थोड़ा सा बेस हो गया हमारा, तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, अभी आप बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा ना एक बार देख लेना, इजी है, कुछ है नहीं इतना डिफिकल्ट। ओके चलेगा, चलेगा सर, अगला वाला जो रहेगा ना तो हम तो कंटिन्यू कर लेंगे, तो आप पीछे नहीं रहो। ठीक है चलेगा, चलेगा सर, थैंक यू सर। ओके चलो सॉल्व करें हम लोग यहाँ पर। हाँ सर। चलिए किसी को टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? और सर फोर्थ में, हाँ फोर्थ चल रहा है, सॉल्व करो फोर्थ में सर। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो है ना? वेरी गुड सर, सेकंड में दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है ना? K2L, K2L रॉन्ग हो जाएगा, P2E, P2E रॉन्ग हो जाएगा, यस दोनों रॉन्ग है ना? चलो सर, थर्ड में फर्स्ट आएगा ना, राइट? थर्ड में C2S, यस फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट, H2C रॉन्ग हो जाएगा सर। फर्स्ट, फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो, सेकंड में दोनों भी रॉन्ग, थर्ड में फर्स्ट, में फर्स्ट है, J2 आए, करेक्ट, ठीक है, सेकंड में दोनों रॉन्ग, ठीक है, थर्ड में दोनों रॉन्ग, थर्ड में फर्स्ट दोनों रॉन्ग, ना ना थर्ड, हां सर थर्ड में फर्स्ट, फोर्थ में, यानी फोर्थ में फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं, देखो इशाक आपका आंसर बताओ। इशाक हां एक सेकंड सर, फोर्थ वाले क्वेश्चन में फर्स्ट राइट है, सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग है, और सेकंड वाला रॉन्ग आ रहा है, W2H, W2H रॉन्ग कैसे, चेक करो फिर से। सर फर्स्ट वाला राइट, फर्स्ट, फर्स्ट में कौन सा राइट है, फर्स्ट कंक्लूजन या सेकंड कंक्लूजन? GNI, कौन सा बोल रहे हो? GNI, GNI मतलब फर्स्ट वाला, फर्स्ट कंक्लूजन, ओके ओके से बताओ। सर क्वेश्चन फोर में, सर क्वेश्चन फोर में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों भी राइट होगा, फोर्थ वाला रॉन्ग होगा। हाँ ईशा थोड़ा सा ये करो, सॉल्व करो, तीनों चारों सॉल्व करो। सर सेकंड स्टेटमेंट का दोनों रॉन्ग है, सेकंड का दोनों रॉन्ग है, ठीक है, हाँ सेकंड का दोनों रॉन्ग है। ओके थर्ड का, थर्ड का क्या आएगा? थर्ड का सर फर्स्ट वाला फॉलो है, सेकंड वाला रॉन्ग है। थर्ड का क्या, फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, ठीक है। फोर्थ का बताओ, बताओ फोर्थ वाला,
सर फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट है, फोर्थ वाला रॉन्ग है। ईशा कौन सा चल रहा है आपका? तो फर्स्ट का सेकंड वाला शायद रॉन्ग है ना, फर्स्ट का सेकंड वाला P2E रॉन्ग है, K2L ये वाला बताओ फर्स्ट वाला क्या आंसर आया फिर, राइट है क्या रॉन्ग? फर्स्ट का सेकंड रॉन्ग है। हाँ रॉन्ग है ना। हाँ अभी आप कहाँ पे चल रहे हो? फर्स्ट कौन सा चल रहा है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है क्या? हाँ ओके सॉल्व करो। मैं आंसर बोलती हूँ आप चेक करिए ना। बोलो मैम। फर्स्ट का फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट का फर्स्ट रॉन्ग है। हाँ आप जगह पे रॉन्ग हो गए फिर तो। फिर से चेक करो। ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए। 40 स्टूडेंट्स मतलब 38 स्टूडेंट्स 37 स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 30, 32, 33 ऐसे स्टूडेंट्स का आंसर आए। कौन सा चल रहा है इशाक? सेकेंड का क्या आंसर आया? इसको एक बार आप सॉल्व कर दोगे ना मैं समझ जाऊंगा। चलो मैं सॉल्व करूं। हाँ पूनम फटाफट आंसर बताओ क्या क्या किया, चारों किया कि नहीं किया पहले ये बताओ। सर मैंने चारों किया है, मैं चारों का आंसर बोलती हूँ। हाँ बोलो बोलो। उसमें से शायद कुछ गलत रहेगा तो। हाँ ठीक है ठीक है, वो बाद में रेक्टिफाई कर लेंगे। आप आंसर बताओ। फर्स्ट का फर्स्ट मेरा रॉन्ग राइट आ रहा है। हाँ तो वो राइट ही है ना। चलो सेकंड बताओ। और सेकंड रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग नहीं, सेकंड रॉन्ग मतलब सेकंड क्वेश्चन में नहीं, फर्स्ट का सेकंड रॉन्ग है और सेकंड का सेकंड रॉन्ग है और थर्ड का फर्स्ट में कंफ्यूजन है, शायद राइट आएगा। नहीं रॉन्ग आएगा। अच्छा ठीक है रॉन्ग है। नहीं और थर्ड का सेकंड रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बताओ। फोर्थ का फर्स्ट राइट है। हाँ सेकंड राइट है। हाँ थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है आई थिंक। अच्छा आई थिंक में से दो रॉन्ग हो गया आपका, मतलब दो रॉन्ग है। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया आपका। चलो रॉन्ग है। हाँ फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार। चलो यहाँ पे देखो J2I में जाना है, ठीक है J2I में जाना है। J यहाँ पर है, I यहाँ पर है, आप सीधा जा रहे हो तो ऊपर चेक करो कि ऊपर वाले साइन में कहीं पे भी हमें मिक्स ग्रुप का साइन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो देन हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मुझे बताइए। कर सकते हैं कंपेयर। तो बताओ कंपेयर करो क्या साइन आएगा? ग्रेटर देन। ग्रेटर दिया है राइट कर दो। यहाँ पे ग्रेटर मिला, ग्रेटर यहाँ पे भी दिया था तो राइट हो जाएगा। हेलो ठीक है। हाँ बोलो ईशा। या एक्चुअली मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा तो चेंज होगा ना, जैसा ग्रेटर रहेगा तो स्मॉलर हो जाएगा। यस यस, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो चेंज नहीं होगा, राइट टू लेफ्ट आते हैं तो चेंज होता है। ओके चलो वाई टू आर में जाना है। वाई इधर है, आर इधर है, ऊपर चेक करो अपोजिट ग्रुप का साइन दिया है क्या? अरे थोड़ी फुर्ती उर्ती दिखाओ। हां यस सर दिया है।
अरे क्या कर रहे हो, सुबह सुबह सो रहे हो, बताओ कैसे काम चलेगा। के टू एल, के यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, अपोजिट साइन है क्या? यस सर है। रॉन्ग कर दो। पी टू ई अपोजिट साइन है क्या? है। अब पूनम मैम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर। यस सर। सी टू एस, सी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, सीधा जा रहे हो सब। एक ही ग्रुप के साइन है, एक ही ग्रुप का साइन है, कंपेयर होगा ना, कंपेयर करो कौन सा साइन आएगा जल्दी बताओ। अब पहले ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा तो क्या ग्रेटर देन यहाँ पे गिवन है? हाँ तो राइट हो जाएगा ना। लेकिन सर यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू है ना सी के बाद, पहले से पहला। एक बात बताओ, सी टू एस में जाना है ठीक है? हाँ। आपको तीन साइन यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें आप चेक करो कि मिक्स ग्रुप का साइन है क्या पहले, ये नहीं। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये तीनों साइन में बड़ा साइन कौन सा होता है, मतलब ऐसा देखना है। अच्छा तो अभी तक आप क्या देख रहे थे? नहीं समझा, कंफ्यूज। हाँ तो फिर वो ग्रेटर देन आएगा, करेक्ट। तो करेक्ट हो जाएगा। एच टू एल, एच यहाँ पर है और एच टू सी, सॉरी एच यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, यहाँ पे चेक करो मिक्स ग्रुप का साइन है। स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। हाँ है। हाँ सर। हाँ सर। रॉन्ग हो जाएगा। एस टू एच में जाना है, एस यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, चेक करो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? नहीं नहीं है। देन कंपेयर होगा, कंपेयर होगा राइट, तो चेक करो इसमें से बड़ा साइन कौन सा होगा फिर। ग्रेटर देन, ग्रेटर यहाँ पे गिवन है, गिवन है, देन ये राइट हो जाएगा ठीक है। ग्रेटर मिला तो ग्रेटर यहाँ पे भी गिवन है, देन राइट हो जाएगा। W टू H में जाना है, W यहाँ पर है, H यहाँ पर है, चेक करो ऊपर अपोजिट ग्रुप का साइन है क्या? नहीं नहीं है ना। नहीं कंपेयर होगा, मतलब कंपेयर कर लो। लेस देन, लेस देन, बट उल्टा आने की वजह से क्या बन जाएगा, लेस देन हमारा क्या बनेगा? ग्रेटर देन, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। अब पूनम मैम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बताओ ये वाला। हाँ सर। यहाँ पे बताओ इशाक, क्लियर हो रहा है आपको इशाक? हाँ सर समझ समझ रहा है ना, ठीक है सर। वो एक ही ग्रुप के हैं, थर्ड वाला। हाँ तो कंपेयर करो। हाँ तो कंपेयर करो क्या साइन आएगा, तो फिर रॉन्ग आएगा क्योंकि वो लेस देन ग्रेटर देन है और यहाँ पे सिर्फ लेस देन बोला है। अच्छा आर से डब्ल्यू में जा रहे हो, लेस देन इक्वल है और यहाँ पे लेस देन है, बड़ा साइन क्या होगा? नहीं 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 वो राइट आएगा क्योंकि वो लेस देन दिया है। हाँ ठीक है, R से W में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, यहाँ पे कोई भी अपोजिट साइन नहीं है ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट नहीं है मतलब कंपेयर होगा, और दोनों बड़ा साइन क्या होता है, लेस देन होता है, और लेस देन हम लोग एज इट इज लेंगे क्योंकि सीधा जा रहे हैं, तो ये गिवन है तो ये करेक्ट हो जाएगा ठीक है। एम टू टी में जाना है, एम यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, एम टू टी में आप जा रहे हो, कंपेयर करो सभी लोग, स्टूडेंट बताओ। नहीं उसमें मिक्स है, मिक्स साइन है, तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, सबको समझा? चलिए रफ कर दूं मैं इसे। यस सबको समझ में आ रहा है ना, किस कोई है ऐसा जिसे समझ में नहीं? इशाक मुझे बताओ, इशाक क्लियर हो रहा है कि नहीं? कंफर्म बताओ, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती बता रहे, कंफर्म बताओ किधर आप पटक रहे हो, मुझे बताओगे तो मुझे समझेगा। ये साइन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। साइन में मतलब क्या साइन में प्रॉब्लम हो रहा है वो बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल कैसा, क्या प्रॉब्लम, कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप कंपेयर में सब मिक्स हो जा रहा है, तो ऐसा मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके देखो मिक्स अगर होता है तो मिक्स मतलब होता है कि ग्रेटर का साइन और लेस देन का साइन एक साथ आ जाए, उसे बोलते हैं मिक्स, और मिक्स हो जाता तो हमारा काम आसान हो जाता है, उसको रॉन्ग कर देना सिंपल। और अगर मिक्स नहीं हो रहा है तो देन वो कंपेयर होगा, कंपेयर पर्टिकुलर ग्रुप का होता है, तो पर्टिकुलर ग्रुप का होता है तो आप क्या कंपेयर करने के लिए, ग्रेटर बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल छोटा होगा, और इक्वल सबसे छोटा होता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मतलब सिंपल ही है। आप एक काम करना, आप मतलब लेक्चर के बाद आप एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेना अच्छे से आराम से, क्लियर हो जाएगा ओके ठीक है। चलो रफ कर दूं मैं इसे। यस सर एक मिनट। हेलो। हां हां नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। सेकंड तो फर्स्ट रॉन्ग हो रहा है, मतलब मेरा शायद राइट आ रहा था सेकंड का, सेकंड का सेकंड
सेकंड का फर्स्ट फर्स्ट ये वाला बोल रहे हो ये वाला ठीक है देखो टाइम वे रॉन्ग ठीक है K2L में जाना है देखो यहाँ पे K यहाँ पर है L यहाँ पर है ठीक है K2L में आप उल्टा जा रहे हो बरोबर ना तो K2L में उल्टा जा रहे हो आप देखो क्या क्या साइन मिला है उसको लिख लो यहाँ पे लिया है इक्वल उल्टा जा रहे हो साइन उल्टा होगा ना यहाँ पे ग्रेटर क्या बन जाएगा ग्रेटर लेसर देन बन जाएगा लेस देन बन जाएगा और लेस देन इक्वल क्या बन जाएगा हमारा उल्टा होके ग्रेटर बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल बनेगा ठीक है तो अब यहाँ पे देखो इशार यहाँ पे देखो समझ गया चलो रफ कर दूं मैं इशाक रफ कर दूं लिखना नहीं है ना चार मिनट रह गए हम लोग थोड़े और क्वेश्चन के इसी सिमिलैरिटी में थोड़ा सा क्या हुआ अच्छा गीता आपको ये YouTube पे फोकस क्लासेस लाइव करके आपको मिलेगा फोकस क्लासेस लाइव आपको YouTube पे मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो और उसको सब्सक्राइब कर लेना तो कभी भी अपलोड होगा ना और नोटिफिकेशन ये कर लेना बेल आइकन दबा लेना तो कैसा वो जब भी वो कुछ मतलब वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफाई कर देगा चलो ये वाला ले लो क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रहा हूँ एम ग्रेटर देन एच लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू आर लेस देन यू इक्वल टू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू Conclusion number one, M greater than R. Number two, Z less than R. Number three, पहला round. Greater than E. Number four, M to R. First round. Very good. चलिए solve करिए. सब fourth right है, बाकी सब wrong. Fourth right Z2H okay fourth right बाकी सब wrong right बाकी सब wrong है second और fourth right है और the first and third wrong है Z2R sir second भी wrong है sir सिर्फ fourth right है second भी wrong है yes only fourth follow yes third भी wrong है fourth right है fourth right sir समझा sorry okay ठीक है बाकी लोग का आंसर सर फोर्थ सर वो फोर्थ का क्वेश्चन क्या है जेड ग्रेटर देन एच एच है वो फोर्थ राइट है सर बाकी सारे रॉन्ग है फोर्थ राइट है बाकी सारे रॉन्ग है वेरी गुड बाकी लोग का आंसर आ जाने दो दिनल का भी आंसर फोर्थ राइट चलिए सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे देखो अभी ये तो मैंने क्वेश्चन ले लिया अगले लेक्चर में क्या करेंगे पता है अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइदर और के रूल प्लस सेकंड वाला जो टाइप है डॉट कॉमा वाला उसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी अगले लेक्चर में ये चला जाएगा पूरा टाइम देन उसके बाद हम सीखेंगे कोडेड तो तीन लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अभी यहाँ पे हम लोग इसको लेके थोड़ा सा फिनिश कर देते देखो एम टू आर में जाना है एम इधर है आर इधर है चेक करो ऊपर वाले साइन में मिक्स साइन दिया है या फिर सेपरेट ग्रुप मिक्स साइन है कैंसिल कर देना ठीक है जेड टू आर में जाना है जेड इधर है आर इधर है मिक्स है कहाँ मिक्स है मिक्स नहीं है नहीं है तो ऊपर कंपेयर करो कौन सा साइन है यहाँ पे लेस तो गेट हो जाएगा ना लेस देन बट वो उल्टा आने की वजह से क्या हो जाएगा ग्रेटर यहाँ पे ग्रेटर नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा ठीक है आर टू ई में जाना है आर से अब ई में जा रहे हो मिक्स मिक्स है हाँ मिक्स है आंख बंद करके हर हर महादेव
रॉन्ग मार दो. जेड टू एच, जेड कहां पर है? ग्रेटर 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 है. ऊपर चेक करो कि पहले मिक्स वाला है क्या? नहीं है. नहीं है. देन कंपेयर होगा, कंपेयर करो, ऊपर कौन सा आएगा? लेस देन है. लेस देन, बट लेस देन वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन. तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब देखो ये क्वेश्चन लेने का पर्पस मेरा ये था कि इसके ऑप्शंस देखो कैसे आएंगे. ऑप्शन नंबर वन, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो. ऑप्शन नंबर टू, सेकंड एंड थर्ड फॉलो. ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली फोर्थ फॉलो. ऑप्शन नंबर फोर, ऑल फॉलो. ऑप्शन नंबर फाइव, नन फॉलो. आप किस पे टिक करो? थर्ड पे. थर्ड पे. अगर इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें से आपने आंसर तो निकाल लिया बट ऑप्शन टिक करते वक्त प्रॉब्लम आए, जब भी ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चन आया तो ध्यान से टिक करना कि किस पे टिक करना है. ठीक है, इसमें आइदर और भी आता है. मैंने आइदर और नहीं लिया, पर्पसली नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं. तो अगले लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा तभी ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी लूंगा आइदर और में. क्लियर एवरीवन? सर वो भी इजी है ना? सब इजी होता है मैम, क्या हार्ड होता है मतलब ये बताओ. चलो नहीं, हाँ सब इजी होता है. आज के दुनिया में लोग मंगल पे पहुंच गए, बताओ तुम. मेरा इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है. चलो अच्छा बताओ, आज के सेशन में किसी को डाउट ऐसा कुछ समझा? नो सर. चलो, और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पे फोकस क्लासेस लाइव करके नाम है, फोकस क्लासेस और आगे लाइव डाल देना. ये देखो फोकस है, आगे क्लासेस भी है और आगे लाइव डाल देना. वहां पे यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करो, पहले तो सब्सक्राइब करो, देन उसको लाइक करना, फिर कमेंट अगर आपको जैसा लगा लेक्चर का, कमेंट जेन्युइनली दिल से कर देना, जो भी रहेगा, नहीं माने तो फिर भी कर देना. चलो चलो क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में. सर थैंक यू सर. आजकल थॉट विट नहीं लिखते हो सर सुबह सुबह? अरे मैं थॉट नहीं, मैं तो कहानी बताने वाला था. अगर आप रुको तो 5 मिनट में कहानी बता दूं. हां सर बता दो. चलो चलो कुछ करना भी नहीं है सर. चलो हाँ मैं बता देता हूँ. मैं सोच रहा था कि मैं कहानी बता दूँ, थॉट वगैरह जमाना गया हो क्या, वो बच्चों वाली खेल हो गई हो. तो मैं कहानी सोच रहा था आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कहानी सोच रहा था मैं क्या बताऊँ. तो जब भी हम लोग अच्छा ये बताओ भगवत गीता पता है सबको? भगवत गीता क्या होता है? अच्छा हिंदू में भगवत गीता होता है, मुस्लिम धर्म में ये होता है कुरान होता है, और क्रिश्चियन में बाइबल होता है. तो सबका अपना अपना एक ये पवित्र बुक होता है, अपना ग्रंथ होता है, सबका अपना अपना एक पवित्र होता है, अपना अपना मतलब एंड ऑफ द डे मैसेज एक ही होता है, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने बना के रखे हैं. ठीक है, तो भगवत गीता में मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ना मैम.